नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिट्टी खूल के यूट्यूब चैनल में। आज के एपिसोड में हम देखेंगे हमें मिट्टी खूल के प्रोडक्ट्स को किस तरह यूज करना है और किस तरह हमें उन्हें वॉश करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे पास मिट्टी खूल के कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हांडी, कुकर एंड बिरयानी पॉट। अब जब हमें इन यूटेंसिल्स को कुकिंग में लेना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले इन बर्तनों को अंदर और बाहर स्वच्छ पानी से धो लीजिए और 10 से 15 मिनट तक उसे सूखने दीजिए। अब जब हमें इस यूटेंसिल को कुकिंग में लेना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम इसे पहले 5 से 7 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पर रखें। रीज़न, इससे पहले जब हमने इस बर्तन को साफ किया है तो उसकी वजह से थोड़ा भी अगर मॉइस्चर इस बर्तन में रह गया हो तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये मॉइस्चर पूरा इवेपोरेट हो जाएगा और फिर हम इस बर्तन को कुकिंग में यूज़ कर पाएंगे। धीरे धीरे आप अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप अपनी रेसिपी बना रहे हैं, आप अपने फ्लेम को लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम पे ले जा सकते हैं। अब जब ये खाना बन चुका है तो हमें डायरेक्टली इस गर्म बर्तन को सरफेस पे नहीं रखना। हो सकता है जो बर्तन का गर्म टेम्परेचर है और सरफेस का नॉर्मल टेम्परेचर है उसकी वजह से बर्तन में क्रैक होने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हमें हमेशा गर्म बर्तन को पहले टेबल क्लॉथ पे या किसी भी नॉर्मल क्लॉथ पे रखना है जिससे ये बर्तन में ब्रेकेजेस ना आए। कुकिंग के बाद जब हम वॉशिंग की बात करें तो हमें इन यूटेंसिल्स को नॉर्मल पानी में बेकिंग सोडा के साथ साफ करना है या तो हल्के गर्म पानी से साफ करना है। डिटर्जेंट्स, केमिकल्स या सोप वाटर का यूज़ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पोरस नेचर है इसकी वजह से चांसेस है कि वो डिटर्जेंट्स आपके इस बर्तन में चिपक जाए। अब नेक्स्ट टाइम हम ये खाने में यूज़ करेंगे तो खाने में या तो कुकिंग में आपको उन चीज़ों की स्मेल आ सकती है, इसलिए वॉशिंग केयर में हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें इसे नॉर्मल वाटर में बेकिंग सोडा के साथ साफ करना है या तो नॉर्मल गर्म पानी में हम साफ कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी आपको प्रोडक्ट रिलेटेड या कोई भी आपको क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम हमारे वीडियोस थ्रू आपके सारी क्वेरीज को हैंडल कर सके और उन्हें आंसर कर सके। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करें ताकि हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन है, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। मिट्टी खूल का यही उद्देश्य है, स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी खाएं और स्वस्थ रहे। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते।